लेपर्ड यानी कि तेंदुआ। आखिरकार तेंदुआ है क्या? इसे जंगल का घोस्ट क्यों कहा जाता है? बड़ी बिल्लियों के परिवार में यह कैसे अलग है? इसकी पहचान क्या है? आखिरकार चीता और जैगुआर से अलग कैसे है? वहीं यह बड़ी बिल्लियों में कितना खतरनाक और शातिर शिकारी है? इसके पास ऐसा क्या है जो इसे सबसे अलग और खतरनाक बनाता है? यही सब आज आपको इस वीडियो में देखने और सीखने को मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस शानदार Why the Leopard is Different and Leopard Encounter on Camera के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लेपर्ड, पीली चमकीली खाल और उस पर काले धब्बे, मजबूत पंजे, नुकीले नाखून और मजबूत शरीर वाला एक घातक शिकारी है। यह अपने रंग और रूप की वजह से कहीं भी आसानी से छिपा रहता है। इसके छिपने के बाद इसे देख पाना बेहद ही मुश्किल होता है। यह शिकार करने में इतना माहिर होता है कि यह शिकार के बेहद नजदीक पहुंच जाता है और शिकार को इसकी भनक तक नहीं होती। अचानक से सामने आकर यह शिकार को डरा देता है, जिससे शिकार को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता और तेंदुआ अपना शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है। बड़ी बिल्लियों के परिवार में तेंदुआ शेर, बाघ और जैगुआर से हाइट और वजन में छोटा होता है, लेकिन इनसे काफी शातिर और ताकतवर होता है। यह काफी शक्तिशाली होते हैं। इसके मजबूत पंजे, शक्तिशाली शरीर, बड़ा हेड, मजबूत और नुकीले दांत इसे बेहद ही खतरनाक बनाते हैं। यह अपने परिवार में बड़ी बिल्लियों से आकार और वजन में भले ही कमजोर हो, लेकिन शिकार करने और ताकत के मामले में इनसे बड़ा है। वहीं अगर बात की जाए इसकी पहचान की, तो शेर और बाघ से यह बिल्कुल अलग दिखता है और इन तीनों में से तेंदुए को आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन चीता, जैगुआर और तेंदुए में फर्क करना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तेंदुए के मुकाबले चीता पतला और लंबा होता है, वहीं जैगुआर गठीला और मजबूत, साथ ही तेंदुए से ज्यादा तगड़ा और पैरों से बड़ा होता है। चीते की आंखों से लेकर मुंह तक एक काले रंग की धारी होती है, वहीं चीते का हेड छोटा होता है और तेंदुए का हेड बड़ा। इसके शरीर पर काले रंग के चट्टे होते हैं। जैगुआर के शरीर पर भी काले रंग के चट्टे तो होते हैं, लेकिन तेंदुए से बड़े और भरे हुए होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप चीता, जैगुआर और तेंदुए में फर्क कर सकते हैं। दोस्तों, तेंदुए को जंगल की दुनिया की किलिंग मशीन कहा जाता है और इसे जंगल का घोस्ट भी कहा जाता है। वह इसलिए इसके पास शिकार करने की गजब की काबिलियत होती है, इसलिए इसे किलिंग मशीन कहा जाता है, और घोस्ट इसलिए कि यह अचानक सामने आता है, मानो एकदम से प्रकट हुआ हो। हम इंसानों ने जंगल की दुनिया में काफी दखल दिया है। हमने जंगल में घर और खेत बना लिए। इन बेचारे जानवरों का हमने घर छीन लिया और यह बेजुबान जानवर बेघर हो गए, या यूं कहें कि इनके रहने की जगह सीमित हो गई। अब इन्हें अपने खाने और पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और खाने पानी की तलाश में यह जानवर न चाहते हुए भी हमारे रिहायशी इलाकों में आ जाता है और अपने आप को बचाने के लिए हम पर हमला भी कर देता है। ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं जिसमें तेंदुआ रिहायशी इलाके से पालतू डॉग का शिकार करके ले जाते हैं, और कई बार इंसानों से सामना होने पर हमला भी कर देते हैं। अगर हमें इन घटनाओं से बचना है तो इन्हें इनके घर में शांति से रहने देना होगा, साथ ही उनके रहने की जगह कैसे बढ़ाई जाए जिसमें उन्हें पर्याप्त खाना और पानी उपलब्ध हो, इस पर विचार करना होगा। दोस्तों, तेंदुए जैसा सुंदर जीव अब एशिया में केवल 14,000 ही शेष बचे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक शानदार और खूबसूरत जीव को खो देंगे। ऐसा नहीं है कि इस जीव के विलुप्त होने पर केवल तेंदुआ ही खत्म होगा, बल्कि जीवन चक्र भी प्रभावित होगा, इसलिए हमें इस पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या सीखने को मिला हो या वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।